क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव करना आपने। तो सॉल्यूशन पे आए, सबसे पहले पहला सम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का तो हो गया dy बाई dx, एक्स स्क्वेयर का 2x, 3x का 3। अब सेकेंड डेरिवेटिव कह रहा है एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, ठीक है, और 3 का 0। तो ये आंसर आ गया। यहां देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो dy बाई dx वो क्या आ गया, पहला फंक्शन है एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस में कोस एक्स एज इट इज एक्स का हो गया 1। तो dy बाई dx आया अपना वो क्या आया, माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव माइनस एज इट इज, चलो मैंने बाहर रख लिया, एक्स एज इट इज साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का हो जाएगा 1, प्लस में आया आगे कोस एक्स इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस को अंदर लेते हैं हमें, ये हो गया माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, आगे भी प्लस माइनस 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 साइन एक्स, और ये हो गया माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स, ठीक है। ये आ गया भाई, ठीक है। सबसे पहले पहला फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स एज इट इज एक्स का हो गया 1, फिर इसका माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, ये प्लस कोस एक्स, डबल डेरिवेटिव करते हैं, फिर इसका करेंगे एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का हो गया 1, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में कर लिया, माइनस को बाहर ले लिया, फिर इसका प्लस में कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स पहला डेरिवेटिव, ठीक है, वो हो गया एक्स क्यूब एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x2, ठीक है। यहाँ एक्स इसकी एक पावर गई, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया भाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 3x2 इंटू लॉग एक्स। अब इसका दोबारा डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी टू वाई अपॉन dx2, x2 का हो गया 2x, प्लस या u इंटू v दोबारा लगेगा, ठीक है, 3 को मैं बाहर ही ले लेता हूँ, x2 एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स एज इट इज x2 का 2x, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये हो गया 2x, x ने इसको एक पावर कैंसिल करी, 3 की अंदर मल्टीप्लाई करी 3x, ठीक है, 3 की इससे मल्टीप्लाई हो गई प्लस 6x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये हो गया 5x प्लस 6x लॉग, ठीक है। ऐसे पहले एक्स क्यूब एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस में फिर लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का 3x2, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3x2 लॉग एक्स, फिर एक्स स्क्वेयर का दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव 2x प्लस में 3 को मैंने बाहर रख लिया, ठीक है, इसका कर लेते हैं यू इंटू वी, ठीक है, या साथ में रखो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस में लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वेयर का 2x, ठीक है, जो बाहर 3 था उसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ एक्स हो गया था ना 3x, प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई की 2 से 6x, ठीक है, ये बाहर 2x था इसमें ऐड हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमें ये डबल डेरिवेटिव के सम कर लेते हैं। 11th सम बेटा, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट, ये बात प्रूव करनी, डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू x, d2y अपॉन dx के प्लस y इज इक्वल टू
जीरो सॉल्यूशन है। तो आपको पता है इसका डबल डेरिवेटिव तो आपने करना ही। डिफरेंशिएट डीवाई बाई 5 cos x का माइनस साइन एक्स, -3 sin x का cos, 5 sin x -3 cos x भाई। अब डबल डेरिवेटिव दोबारा किया, -5 ये हो गया cos x, माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये हो गया साइन। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ 5 cos x ये रहा 5 cos x, ये 3 sin x ये रहा 3, लेकिन साइन का फर्क है यहाँ प्लस माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो क्या करो, उस साइड मैंने माइनस कॉमन निकाल, ठीक है, अंदर वाला क्या है, ये वाई तो है, ठीक है, तो इसकी जगह है माइनस का हुआ, ठीक है, इसकी जगह वाई रख दिया, बाहर माइनस थी, माइनस को इस साइड ले आते, वाई को प्लस का हुआ इज इक्वल टू 0, प्रूफ, ठीक है, प्रूव हो गया। नंबर 12 बेटा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x है, फाइंड d टू y बाई dx स्क्वायर इन टर्म ऑफ y, y की टर्म में निकालना, तो थोड़ा आसान कर लेंगे इसको, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, y की टर्म में मैं कोस इनवर्स को इस साइड ले आकर आता हूँ, इस साइड y कोस y हो जाएगा, ये x हो गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में क्या, ये होगा कोस y का माइनस साइन वाई इन टू वाई का डीवाई बाई डी एक्स, और एक्स का क्या हो गया 1, माइनस साइन वाई को उस साइड ले जाते, 1 अपॉन माइनस ऊपर लगा दी मैंने साइन वाई डीवाई बाई डी एक्स, ये माइनस का हो गया कोसिकेंट वाई। अब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं हम इसका, डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर डीवाई बाई डी एक्स का माइनस कोसिकेंट वाई का हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसिकेंट वाई कोट वाई इंटू वाई का डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी टू वाई अपॉन कोसिकेंट वाई कोट वाई डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही 1 अपॉन साइन वाई, या आगे या माइनस का कोसिकेंट वाई, ठीक है, माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर वाई कोट वाई, ठीक है, चाहो तो आप इनको साइन कोस में चेंज कर सकते हो, -1 अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर वाई, और ये हो गया कोस वाई अपॉन साइन वाई, ठीक है, कोई खास तो फर्क पड़ेगा नहीं, चलो यही छोड़ देते हैं, ठीक है, यही ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए की एम एक्स प्लस बी की एम एक्स, सो दैट, ये बात प्रूव करनी है, तो क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में के ये जो वैल्यू दी है ये निकालना है और यहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है, तो प्रूफ में आए dy बाय dx निकल, क्या है a एज इट इज e की mx का e की mx इंटू mx का m हो जाएगा, ऐसे ये n b e की nx, ठीक है, डबल डेरिवेटिव किया
अब हो जाएगा एम स्क्वेयर ए ए की पावर एम एक्स एन स्क्वेयर बी ए की पावर एन। ठीक है, यहां इसमें पुट कर देते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इसमें पुट करते हैं। यहां हो गया एम स्क्वेयर ए की एम एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इसका देख रहा हूं एम स्क्वेयर बी ई की एम माइनस एम प्लस एन आ गया डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दिया हमने एम ए की एम एक्स प्लस एन बी ई की एम एक्स। ठीक है, प्लस में एम एन वाई की जगह रख दिया ए की एम एक्स प्लस बी ई की एन। ठीक है भाई, अब देखो एम स्क्वेयर ए की एम एक्स एन स्क्वेयर बी ई की एम एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं माइनस एम की इससे होगी माइनस एम स्क्वेयर ए की एम एक्स माइनस एक्स की एम की अगले से होगी माइनस एम एन बी ई की एम एक्स। ठीक है, माइनस एन की इससे होगी एम एन ए की एम एक्स। ठीक है, अब एन की अगले से होगी तो माइनस का एन स्क्वेयर बी ई की एम एक्स एम एन की अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एम एन ए की एम एक्स और एम एन की अंदर से मल्टीप्लाई की एम एन बी ई की एम एक्स। अब काट रहे देखो जो कटते हैं ये एम स्क्वेयर ए की एम एक्स ये रहा कैंसल एम स्क्वेयर बी की एम एक्स ये रहा। ठीक है, एम एक्स बी की एम एक्स एम एक्स ये एम एन है एम एन बी की एन एक्स ये रहा इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल क्या आ गया जीरो। तो इस टाइप से हम इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, थीगा?